स्वागत है, कृपया अपनी पेटियां बांध के रखें। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं चांद बावड़ी, जो राजस्थान के आवानेरी गांव में आता है। तो चलिए दोस्तों, अब अंदर चल के देखते हैं चांद बावड़ी। ये चांद बावड़ी है, ये राजा चांद के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बावड़ी है। इसमें तकरीबन 3500 के आसपास सीढ़ियां हैं और ये 13 लेवल में बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये 13 लेवल में बना हुआ है और इस बावड़ी की खासियत ये है कि इसमें एक साइड जो है वो महल है और तीन साइड से ये पूरा सीढ़ियों से घिरा हुआ है। ये जो है यहाँ के राजा चांद ने बनवाया था। गर्मियों के महीने में यहाँ पे, जब राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो राजघराने यहाँ पे आके रुकते थे और ठहरते थे इस जगह पे। ये जो देख रहे हैं आप महल का अंदर का पार्ट, यहाँ पे इनका कक्ष हुआ करता था। यहाँ पे राजा महाराजा आके रुकते थे गर्मियों के महीने में, क्योंकि इसमें क्या है कि ये 100 फीट गहरा है और तकरीबन 32 या 33 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है और इसमें पानी भरा रहता था, जिस कारण कि ये काफ़ी ठंडा रहता था। तो इसलिए इसमें गर्मी के महीने में यहाँ के राजा आके रुकते थे। दोस्तों, चांद बावड़ी जो है वो काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं और ये जयपुर से सिर्फ 95 किलोमीटर दूर है और ठीक इसके बगल में हर्षत माता का एक मंदिर है, जिसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खुशियों की देवी मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन भानगढ़ की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लीजिए अब हम पहुंच गए हैं भानगढ़ फोर्ट। इसके बारे में आप तो जानते ही होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये जो भानगढ़ फोर्ट है वो टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में सबसे पहले नंबर पे आता है। आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। जी हाँ, टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में एक है भानगढ़।
दोस्तों ये जो दोनों साइड आप देख रहे हैं ये भानगढ़ का मार्केट हुआ करता था कभी। उस ज़माने में यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट हुआ करती थी ऐसा लोग बताते हैं, और गाइड ने भी हमें यही बताया है कि ये उस ज़माने का सबसे सुंदर मार्केट हुआ करता था जहाँ पे लोग अपने ख़रीदारी के लिए आया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने वो कभी डांसर की हवेली हुआ करते थे। दोस्तों ये जो जगह है ये एक ही रात में वीरान हो गया ऐसा लोग कहते हैं। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये किसी को नहीं पता। इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, बट सच्चाई क्या है ये सिर्फ इन दीवारों या इन मंदिरों या इन पेड़ों को ही पता है। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये गोपीनाथ मंदिर है, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत मंदिर हैं यहाँ पर। ये जो सामने आप देख रहे हैं यही मुख्य महल है, लोग कहते हैं इसे राजा भगवान दास ने 16वीं शताब्दी में बनवाए थे जो उस समय आमेर के राजा हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का सख्त रूल है कि इस जगह पे सनराइज से पहले और सनसेट के बाद यहाँ पे कोई नहीं ठहर सकता। ये भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है इसके बारे में। ये जो महल है वो 7 मंजिल का था लेकिन अब सिर्फ यह 4 मंजिल ही रह गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से, मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा ये जगह। तीन पहाड़ियों के बीच में बहुत ही सुंदर सीन है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है। धन्यवाद।